Hello traders, welcome to RGTS software. आज इस वीडियो सीरीज में हम देखेंगे कि RGTS सॉफ्टवेयर का जो RGTS ट्रेड स्टूडियो का जो एक प्रोप्राइटरी इंडिकेटर्स पैक है उसमें एक और स्ट्रेटजी है जिसका नाम है RGTS ट्रेंड पावर। सेम ऐसा ही स्ट्रेटजी है जिसे वो ट्रेंड को सपोर्ट करके चलेगा जैसा उसका नाम है। सो RGTS ट्रेंड पावर को मैं एक अलग नाम से भी बुलाता हूँ कि RGTS ट्रेंड पावर एक ऐसा स्ट्रेटजी है कि ट्रेड लेस और अर्न मोर। आपको जो स्ट्रेटजी है वो कम से कम ऑर्डर देगी, कम से कम सौदा मिलेगा आपको, लेकिन आपको प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा दिला सकता है। आपका रिस्क भी उतना कम होता जाएगा जैसे जैसे आप स्ट्रेटजी को कंटिन्यू करेंगे। सो आज मैं आपको ट्रेंड पावर के बारे में आपको डिस्कस करूँगा। मैं डायरेक्टली जा रहा हूँ अमीब्रोकर सॉफ्टवेयर पे। अमीब्रोकर मेरा ओपन है। ट्रेंड पावर स्ट्रेटजी ऑलरेडी लगा हुआ है। ट्रेंड पावर वर्जन 2 स्ट्रेटजी ऑलरेडी इम्प्रूव हो गया है। सो ये जो स्ट्रेटजी है बहुत ही सिंपल है। कोई इंडिकेटर्स, नॉर्मली मैं कलरफुल इंडिकेटर्स की अगेंस्ट हूँ। जितना उसको सिंपल रख सको उतना सिंपल रखोगे स्ट्रेटजी को, आपको ट्रेड डिसीजन में हेल्प करेगा। तो जब भी आप ट्रेंड पावर से ट्रेड करते हो तो पहले तो देखना है कंप्लीट ब्रेकआउट। तो कंप्लीट ब्रेकआउट होता क्या है, मतलब कि जब भी कोई स्क्रिप्ट आप ट्रेड कर रहे हो तो उस लेवल से कम्प्लीटली उसका ओपन नेक्स्ट कैंडल जो है उसका ओपन हाई लो क्लोज उस लाइन को कहीं पे छूना नहीं चाहिए। आपकी आइदर ट्रेंड लाइन है, आपकी मूविंग एवरेजेस है या कोई और ब्रेकआउट स्ट्रेटजी आप यूज़ कर रहे हो, तो सेम जो कंप्लीट ब्रेकआउट होना चाहिए तभी हम सिग्नल्स लेंगे, अदरवाइज सिग्नल्स नहीं लेंगे। सो ट्रेंड पावर पे मेजर 2 लाइन से, एक ब्लू कलर का लाइन है और एक रेड कलर का है। तो ये बैंड के ऊपर, जब ब्लू कलर की लाइन के ऊपर मार्केट निकलेगा तो हम बाय जाएंगे, रेड लाइन के नीचे अगर कोई स्क्रिप्ट ट्रेड करेगा तो हम सेल जाएंगे। सिंपल लॉजिक है। सो उसके साथ साथ अगर इन बिटवीन सिग्नल्स बना है तो हम उसको अवॉइड करेंगे। हो सकता है कि वो सिग्नल ना चले, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो बाय सिग्नल्स लेना है, सिंपल मैंने बताया आपको कि ये बाय सिग्नल्स आप देख सकते हो यहाँ पे। तो कब बाय लेंगे, इसका कंप्लीट ब्रेकआउट आ जाएगा तो ये बाय सिग्नल्स कंप्लीटली ऊपर बना है, तो ऐसा कोई बाय सिग्नल होगा हम उसको ट्रेड करके जाएंगे। लेकिन आप एक सिग्नल्स यहाँ देख रहे हो, मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ इसको तो आपको थोड़ा ज़्यादा आइडिया आएगा। यहाँ पे एक सिग्नल है, आप अगर देख सकते हो तो चार्ट पे आप दिखेगा आपको कि एक बाय सिग्नल है। लेकिन बाय सिग्नल्स का क्या हुआ कि वो बाय सिग्नल्स उसका कंप्लीट ब्रेकआउट आना चाहिए था ऊपर की ओर, मतलब कि ब्लू लाइन के ऊपर। अगर ग्रीन कैंडल, एक दो कैंडल ऐसे ऊपर बनते तो हम पहली या दूसरे कैंडल से हम बाय जा सकते थे, लेकिन इसका ब्रेकआउट नहीं आया। तो ऐसे सिग्नल्स जो मिलते हैं वो ट्रेंड पावर पे हमें अवॉइड कर देने हैं। उसी तरह ये सेल सिग्नल्स का एक इंडिकेशन है, तो सेल के साथ साथ हमें सेकंड कैंडल्स भी नीचे बनना चाहिए था सेल जाने के लिए। ये सिग्नल वाला कैंडल है, ऑलवेज उसी कैंडल से हम एंट्री नहीं करेंगे, तो सेकंड कैंडल बनना चाहिए था शॉर्ट जाने के लिए। अगर वो बनता तो हम शॉर्ट जाते। सो स्ट्रेटजी सिंपल है, हमें ये 2 लाइन का ख्याल रखना है, ब्लू लाइन के ऊपर बाय जाना है, रेड लाइन के नीचे सेल जाना है। और उसी के साथ साथ सेम जैसे हमने वर्जन 9 में देखा है उसमें हम ट्रायंगल प्रिंट करा रहे थे, यहाँ पे उसी को हम एज अ स्टार प्रिंट करा रहे हैं। बाय ट्रेंड में अगर रेड स्टार मिलता है तो वो आपका प्रॉफिट बुकिंग सिग्नल है, और ग्रीन स्टार अगेन री एंट्री कर सकते हो। अगर अदानी पोर्ट का अगर हम सिग्नल देख लें तो करीब करीब 10 रुपये प्लस का प्रॉफिट दिया है, 10.11 पॉइंट का प्रॉफिट दिया है इस सिग्नल्स पे। सो इस तरह के सिग्नल्स आपको मिलते रहेंगे। मैकडोवेल का एक एग्जांपल है, मैकडोवेल का सेल सिग्नल है। अगर आप देखो कि मैकडोवेल कैसा कंप्लीट ब्रेकडाउन दिया है, कंप्लीट एक अच्छा इंडिकेटर है कि आपने एक इंडिकेशन के तौर पे यहाँ पे शॉर्ट मिला, ऐसा शॉर्ट लेके हमें जाना चाहिए। अगर मैकडोवेल बात करें, कैश में तो हम होल्ड नहीं कर सकते, लेकिन अगर मैकडोवेल फ्यूचर आप ट्रेड कर दें तो करीब करीब 10-11 पॉइंट का रैली उसमें भी दिया है, डाउनफॉल आया है। उसी के साथ साथ जब स्विंग करेगा तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है। जब सेल करेंगे तो आपका जो ब्लू लाइन है वो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा, बाय करेंगे तो रेड लाइन जो है
वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा। सो इतना सिंपल स्ट्रेटजी है, उसी के साथ साथ आपको इसका भी स्कैनर मिलता है, ड्रेन पावर का स्कैनर जैसे मैंने बताया था उसी तरह एनालिसिस में लगाना है। हम देखते हैं कोई सिग्नल्स था या नहीं था, हम मैंने लगा लिया है ड्रेन पावर एनालिसिस में 5 मिनट टाइम फ्रेम, लेट्स चेक कि मैं पुराने ये सिग्नल्स को डिलीट कर रहा हूँ, हम चेक करते हैं कि इसमें कोई सिग्नल्स मिला है या नहीं मिला है। कुछ सिग्नल्स आ रहे हैं, एशियन पेंट बाया है, अदानी एंटरप्राइज जो है, अदानी एंटरप्राइज वो शॉर्ट आया है, BML शॉर्ट है, निफ्टी भी शॉर्ट आया है। देखते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में क्या हुआ था। टाटा पावर बाया है तो मैकडोवेल पे ही मैं लगा रहा हूँ, पहला है वी गार्ड। तो वी गार्ड अगर आप देखा जाए तो वी गार्ड का एक शॉर्ट सिग्नल बना है इस लाइन पे। अगर कल, अगर आज मार्केट ओवर हो गया, कल अगर यहाँ पे वी गार्ड ये ब्लू लाइन के नीचे मतलब कि 243 के नीचे ओपन होता है, हम शॉर्ट जा सकते हैं। एक और एग्जांपल है टाटा पावर। अभी देखो टाटा पावर का कैसा सिग्नल मिला है, कंप्लीट ब्रेकआउट से सिग्नल मिला, बहुत ही अच्छा सिग्नल है, सेकंड कैंडल्स पे मिला तो बाय जा सकते हैं, सेकंड कैंडल उसका ऊपर ओपन होना चाहिए। अभी देखो एक और जो यहाँ पे सेल सिग्नल था, तो सेल सिग्नल में मैंने जैसे बताया कि हमारा कंप्लीट ब्रेकडाउन होना चाहिए, वो ब्रेकडाउन नहीं आया है यहाँ पे, तो हम इस सिग्नल्स को हम ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि ब्रेकडाउन आना चाहिए था उसी जगह पे, उसी रेंज पे मूव करता रहा और वापस वो रिवर्स हो गया। तो ये स्ट्रेटेजी बहुत ही यूजफुल होगा आपको जब आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कहते हैं या तो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हैं। एक लेवल से जब स्विंग होता है बाजार, उधर से अगर वापस डिमांड जनरेट होता है तो सिग्नल्स उधर मिल जाएगा सेल सिग्नल, लेकिन वो आपको वैलिड सिग्नल मिलेगा नहीं। सो इसको आप फॉलो कर सकते हो अगर अच्छा सिग्नल मिलता है तो। उसके साथ साथ सेल है तो सेल का एक अच्छा ब्रेकडाउन पे मिला है, इसके नीचे और एक कैंडल रेड कैंडल के नीचे खुलेगा तो जाएंगे। अभी देखो कहीं ना कहीं ये कैंडल छू रहा है ब्लू लाइन के ऊपर, कंप्लीट ब्रेकआउट नहीं मिल रहा है। कंप्लीट ब्रेकआउट का मतलब होता है पूरा का पूरा एक कैंडल बाहर होना चाहिए उस एरिया से, अगर कहीं पे उसका लो भी छू रहा है तो उसको हम वैलिड ब्रेकआउट नहीं मानेंगे, हम दूसरे कैंडल के लिए वेट करेंगे। दूसरी कैंडल भी ब्रेकआउट नहीं किया तो तीसरी कैंडल के लिए वेट करेंगे, तीसरी कैंडल ने भी ब्रेकआउट नहीं दिया तो हम चौथी कैंडल के लिए वेट करेंगे। या ब्रेकडाउन के केस में भी ऐसे ही होगा, ONGC शॉर्ट था ये भी अच्छा है, अगर कल चले तो हम जा सकते। देखो ये बाय सिग्नल यहाँ पे कैसा था, ये बाय सिग्नल था यहाँ पे लेकिन लेने जैसा नहीं है। तो सिंपल है, आपको जितना भी सिग्नल्स होगा वो आप उसको अवॉइड कर सकते हो। मेहनता ऑयल डेटा नहीं है। ITC का भी बाय देखो ऐसे हुआ, ओपन हुआ बट वापस वही सिचुएशन, शॉर्ट हुआ, ये अच्छा एक बना दिया है कैंडल नीचे, हम यहाँ से शॉर्ट जाना है तो जा सकते हैं। HCL टेक बाय बना है लेकिन स्टिल वैलिड बाय नहीं है, एक कैंडल ओपन होने देना पड़ेगा इसके ब्लू लाइन के ऊपर। उसी तरह सारे सिग्नल्स पे कॉलपाल है तो कॉलपाल भी देखो अभी इसी रेंज में मूव कर रहा है, उसको 1475 के नीचे ट्रेड किया तो ही हम जा सकते हैं शॉर्ट में। एशियन पेंट है, एशियन पेंट भी वापस रिवर्स हो रहा है लेकिन और एक कैंडल ब्लू लाइन के ऊपर चाहिए, ब्लू लाइन इज अ मेजर रेजिस्टेंस लेवल, अगर वो रेजिस्टेंस क्रॉस किया तो हम बाय जा सकते हैं। अदानी एंटरप्राइज अच्छा कैंडल बना है शॉर्ट में, हम सेकंड कैंडल में सेल जा सकते हैं। सो ये था एक ओवरऑल कैलकुलेशन RGTS ट्रेन पावर का। तो आपको जब भी आप ट्रेड करें इतना चीज़ आप फोकस में रखें। सो आगे मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रेटजी को अप्लाई क्यों करेंगे, उसके साथ साथ आपके बाय सेल सिग्नल फेल क्यों होते हैं। समटाइम हमने देखा है बहुत सारे ट्रेडर्स बोलते हैं मैं अच्छी तरह से फॉलो कर रहा हूँ सब कुछ है फिर भी मेरा बाय सेल सिग्नल फेल हो जाता है, तो उसमें मैं डिस्कस करूँगा कि बाय सेल सिग्नल फेल क्यों होते हैं। एक डिसिप्लिन ट्रेडिंग होती है, कुछ बोनस वीडियोज़ में दूंगा इसी सीरीज़ में, उसमें मैं आपको मनी मैनेजमेंट के बारे में भी डिस्कस करूँगा। सो ओके ट्रेडर्स, तब तक के लिए आप वीडियोस वॉच करते रहिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस, एंड कोई सपोर्ट की ज़रूरत है यू कैन कॉन्टेक्ट मी डायरेक्टली। ओके सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो।